हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं सीयूनी लाइव। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीयूनी के जिला अध्यक्ष आनंद पंजवानी जी, जो कि इस वक्त काफी सरगर्मियों में लगे हुए हैं। आप संभावित प्रत्याशी भी हैं सीयूनी विधानसभा से कांग्रेस के। तो पहले जब हम बात शुरू करें, तो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी की? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो हमारे नेता हैं जी, कमलनाथ जी जी, आप देखेंगे कि पूर्व की अपेक्षा आज हमारा जो संगठन है, हाँ, जो संगठन हमारा ब्लॉक स्तर तक हुआ करता था, आज हम बूथ स्तर पर पहुंच गए। जो हम कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई तक सीमित थे, आज 52 प्रकोष्ठ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज हमारे खड़े हो गए और उनकी पूरी कार्यकारिणी तैयार है। हमारे जिला अध्यक्ष आप देख रहे हैं फराना जी और हमारे संगठन के सारे लोग। ये सारी जो तैयारियां आप लोगों की हैं, थोड़ा लाउडली जवाब दीजिएगा, जो सारी तैयारियां हैं, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का गढ़ बन चुका है सीयूनी, पिछले 35 सालों से यहाँ पे बीजेपी कब्जे, बीजेपी का कब्जा है, आप लोग क्या उस गढ़ को भेद पाएंगे? ऐसी क्या चीज है कि आप भेद देंगे उसे? देखिए, बीजेपी, हम कहीं ना कहीं सामने वाली जो विपक्षी पार्टी है, अगर वो सही है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और जो गलत है तो गलत की बात भी करेंगे। हाँ। उनका जो संगठन है वो, हाँ, संगठन कैडर उनका मजबूत है। हाँ। हम लोग कहीं ना कहीं कैडर बेस पे हम लोग जो कमजोर हुआ करते थे, आज हम लोग बहुत तरीके से मजबूत है। और जो बीजेपी की मैं बात करूंगा, बीजेपी के जो उनके नेता है वो नारियल लेके निकल रहे हैं, जगह जगह झूठी घोषणाएं, झूठी बात करना, युवाओं को लेके लुभावनी बातें करना, महिलाओं को लेके झूठ बोलना, तो ये सारी बातें जो है आज जनता पूरी तरीके से समझ गई। और वर्तमान में इनके जो नेता है, जो इनके विधायक हैं, इनकी जो सच्चाई है वो जमीन पे आ चुकी है। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा संगठन पूरी तरीके से एकजुट है। और आप देखेंगे, एक महीने बाद माननीय कमलनाथ जी यहाँ पे किसी को भी घोषित करें, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। लालमाटी क्षेत्र में आप आए हुए हैं, सीयूनी का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस क्षेत्र का कि यहाँ पे नहर जी की जरूरत है, किसानों की जरूरत है। कांग्रेस में एक इल्जाम है बीजेपी की तरफ से, उनका कहना यह है कि, विधायक भी कई बार कहते हैं, उनका कहना यह है कि हमने 18 महीने के जो सरकार कांग्रेस की बनी उसके पहले यहाँ पे हम नहर ला रहे थे, कांग्रेस ने वो 18 महीने में उसे गायब कर दी, या यूं कहेंगे प्रोजेक्ट छीन के छिंदवाड़ा लेके चले गए। और अभी मेरी जो बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे नयन ठाकुर, उनसे बात हो रही थी एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये तक कहा कि कुंडा जो है छिंदवाड़ा जिले का, वहां उस साइड नहर ले जाती थी, वो भी इसी क्षेत्र के किसान है। तो क्या इस पूरे मामले में, और आप भी इस क्षेत्र के किसान रहे हैं, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, पिछले 3 साल में 10 बार उन्होंने माननीय कमलनाथ जी का पुतला जला है। जी, मैं ये मानता हूँ कि मुद्दों से भटकाना इनको आता है। और जहां तक लाल माटी क्षेत्र की बात है, कांग्रेस पिछले 35 साल से यहाँ विधायक नहीं है कांग्रेस, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बीजेपी की है इस बात को वहां तक ले जाना। नहीं तो जिम्मेदारी आप लोगों की कैसे नहीं है, आप लोग विपक्ष में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी। पूरी बात सुनी थी, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी पहली जो बनती है वो जो पक्ष पे, जो सत्ता पे, जो बात विधानसभा में उठा सकता है, ये उनकी जिम्मेदारी। जहां तक बात विपक्ष की है, तो आपने यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, चाहे वहां जिलाध्यक्ष हो, पूर्व के प्रत्याशी और हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, अनेकों मीटिंग इस क्षेत्र में की है हम लोगों ने लाल माटी को लेके। लाल माटी को लेके हमारी पूरी कांग्रेस चाहती है कि किसानों को इसका फायदा मिले, और ये जो उनकी मांग है वो जायज मांग है, हम लोग पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। और रही बात 18 महीने की जो सरकार थी, तो कमलनाथ जी के पास जो कांग्रेस के हमारे नेताओं ने अपनी बात रखी थी, कमलनाथ जी संवेदनशील व्यक्ति, वो देना जानते, वो छीनते नहीं। अच्छा, एक 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 चीज मैं पूछूंगा आपसे, सीयूनी में चुनाव होने वाले हैं, पूरे प्रदेश में होने वाले, आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई ऐसे लोकल के मुद्दे होंगे सीयूनी शहर के, सीयूनी जिले के, जो हावी होंगे? जैसे कि अभी इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, कॉलेजेस की बात जाए, क्या इन मुद्दों को लेके आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? बस गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी, ये देंगे, वो देंगे, तो लोकल के मुद्दे नहीं बचे आपकी पार्टी के पास? नहीं, देखिए, जब प्रदेश की कोई सरकार चुनाव लड़ती है तो उसमें प्रदेश स्तरीय मुद्दे रखे जाते हैं। ये कांग्रेस का हमारा जो जिला संगठन है, जिसके घनश्याम समोदिया जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा सीयूनी को लेकर विधानसभा में पूरा एक सर्वे किया है और एक घोषणा पत्र सीयूनी का हमारा अपना तैयार है, जो आगामी चुनाव में आपको दिखेगा भी। और रही बात मुद्दों की, तो सीयूनी में हम आपको बता दें, आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, बहुत अच्छा विषय, युवाओं की बात करूंगा मैं आज। सबसे ज्यादा कोई अगर समस्या सीयूनी की बनी हुई है, जो हमारे गार्जियंस और हमारे पेरेंट्स परेशान है युवाओं के पलायन की, आज अच्छी शिक्षा ना होने के कारण हमारा जो बच्चा सीयूनी का है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको सीयूनी से बाहर जाना पड़ता है, और जो सक्षम है तो वो बाहर जाता है,
और जो असक्षम है तो वो यही बेरोजगारी काट रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी विपक्ष के होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते, आप लोगों को ये मुद्दे उठाने चाहिए या उठाना चाहिए था? देखिए मैं आपसे फिर से बात करूंगा कि हम लोग अभी विपक्ष में है, हम बात कर सकते हैं, हम बात को उठा सकते हैं, लेकिन ये बात दबाव डाल सकते हैं, बिल्कुल दबाव डालेंगे ना। हम सत्ता में आ रहे हैं, हम आपको इन 5 सालों में करके दिखाएंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो इन्होंने झूठी बातें की थी युवाओं से, आज रोजगार की जो बात की थी, आज रोजगार कहीं ना कहीं हमारा सिवनी का युवा सबसे छला हुआ महसूस कर रहा है। मैं सिवनी के, चूंकि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ, आजू बाजू के जिला की अपेक्षा सिवनी को देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि सिवनी के साथ जो व्यवहार प्रदेश की सरकार, ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जो अपने आप को मामा कहता है, जो अपने आप को बोलता है मैं इन बहनों का भाई हूँ, तो तुम अपने भांजे और भांजियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, आज बहुत सारे हमारे युवा आप देख रहे हैं कि भोपाल में जाके जब उन्होंने बात उठाने की कोशिश की तो उनको लाठियां मारी गई हैं। आपने खुद अपने चैनल पे इस बात को दिखाया था, तो ये हम लोग जानते हैं कि सिवनी क्या समस्या, और हम समय आने पर करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर हैं, इसलिए हम लोग उस बात को नहीं भूलते। मैं लोकल के एक बड़ा, अभी जो बड़ा सरगर्म मुद्दा है, एक कथा होती सिवनी में, उसमें इस जिले की शान, या यूं कहें कि इस जिले को जिनके नाम पे अभिमान है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी पे एक टिप्पणी की गई, और उस टिप्पणी में उन्हें, चूंकि सभी लोगों के, जिले के लोगों के हर किसी से उनका जुड़ाव है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, 1930-32 के दौर में वो छिंदवाड़ा की जेल में भी बंद रहे हैं, तो ये जो दौर था, ऐसे स्वतंत्र संग्राम सेनानी को पार्टी से, मतलब कांग्रेसी कह के संबोधित किया गया। हमने सुना कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी की प्रतिक्रिया भी आई, कांग्रेस के लोगों ने सोशल मीडिया में भी प्रतिक्रिया दी। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये एक बड़ी विभूति को एक समेट के रख देने वाली, और इस पर किसी तरह का आक्रोश नजर नहीं आया? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जगत गुरु है जी, मैं उनका नाम जी गुरु के नाम से बोल रहा हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य, वो सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष या किसी एक धर्म विशेष या किसी एक समाज के नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे जी। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सिवनी की, उनकी जो जन्म है, उनकी जो जन्म स्थली है, वो सिवनी की दिघोरी है, जो उनका मातृधाम है दिघोरी, और ये यहाँ हमारी उनकी पहचान है, सिवनी उनके नाम से जाना जाता है। जब हम बाहर निकलते हैं सिवनी से, तो लोग हमसे पूछते हैं आप क्या उस सिवनी से हो जहाँ से जगत गुरु, तो हमारा फक्र सीना चौड़ा हो जाता है। जहां तक बात है कि जो टिप्पणी की गई, ये मैं वो जो संत मंच से बोल रहे थे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, वो बहुत विद्वान है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि उनको ये बात फीड की गई किसी नेता के द्वारा, क्योंकि वो ये जो नेता है वो ये जानते हैं कि इस चुनाव में उनकी स्थिति क्या हो गई। आप मंच से इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो कांग्रेसी थे, अगर आप भी जानते हैं कि जो जगत गुरु थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने में उनका भी योगदान रहा, तो चूंकि उस समय कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी थी जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय सारे जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे वो सारे लोग कांग्रेसी थे, और कांग्रेसी कोई, ये कोई पार्टी वाला कांग्रेस ही नहीं थे, वो उस समय एक विचारधारा थी जो देश के को लड़ाई और देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय स्वामी जी ने लड़ाई लड़ी और जेल भी गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो बीजेपी है दुष्प्रचार कर रही है, बीजेपी ये जानती है, और मेरा ये मानना है कि जो उस मंच से बोला गया जगत गुरु जी के बारे में, उनके लेकर जो टिप्पणी की गई, पूरा सिवनी का मानव समाज, सर्व समाज इस बात से आहत है, दुखी है, और हम, क्योंकि आपने बोला कि प्रतिक्रिया नहीं आई, प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पे है, और वो समय आने पे वो भी दिखेगी, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के लोग और ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बोलते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म को लेके अपने वो विचार ऐसे रखते हैं और विरोध रखते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग सनातनी है, तो जो स्वामी जी को लेकर टिप्पणी की गई, हम लोग समय आने पर उसका जवाब भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सामने आना चाहिए, जो मंचों पर खड़े होकर फोटो खींच रहे थे, जो मंचों पर खड़े होकर उस कार्यक्रम में शामिल थे। हम भागवत जो होती है, जो राम कथा होती है, उसका बड़ा सम्मान करते हैं, और हमने अनेकों भागवतों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है सिवनी विधानसभा में, लेकिन वो गुरु बहुत महान है जिन्होंने मंच पे बैठे थे, लेकिन हमने ऐसी कोई भागवत आज तक नहीं देखी जिस मंच से भारतीय जनता पार्टी का 1.5 घंटे प्रचार हो रहा था, धर्म और अधर्म की बात की जा रही थी। तो हम इस बात के खुला विरोध करते कि ये ऐसी चीज स्वामी जी को लेकर नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, और ये होगा कि आप लोग चुनाव में जब जाएंगे तो किन मुद्दों पे चुनाव को लड़ेंगे, तो क्या मुद्दे होंगे, वो स्पेसिफिक मुद्दे होंगे सिवनी विधानसभा में? देखिए सिवनी के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वर्तमान में, सबसे बड़ी चीज तो मैं एजुकेशन की बात करूंगा,
मैं किसानों की बात करूंगा, जो किसानों की स्थिति आज दयनीय स्थिति बनी हुई है, जो बिजली उनको नहीं मिल पा रही है, जो यूरिया की ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये जो मार्केटिंग की जा रही है, और जो वर्तमान में हमारे युवा साथियों को रोजगार को लेके बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसकी बात करेंगे। और ये तीनों चीजों में सिवनी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे युवाओं की बात करें तो उनको अच्छी शिक्षा सिवनी में नहीं मिल पा रही है, उनको बाहर जाना पड़ता है, रोजगार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए, आप चूंकि हम गोपालगंज क्षेत्र में बैठे हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ से एक व्यक्ति अगर सिवनी जाके इलाज कराना चाहे तो रात को वहाँ क्या स्थितियां रहती हैं। कहीं ना कहीं हम वहाँ के स्टाफ को लेकर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ध्यान ही नहीं देना चाहती इनकी सरकार। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ जो डॉक्टर्स जो नर्स बैठे हुए वो भी चाहते हैं, लेकिन जब आप उनको वो व्यवस्थाएं वो सुविधाएं नहीं देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। हम तो जाते हैं ना, हमसे खुल के बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं भैया हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं, हम क्या करें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। और आपने देखा कि 18 महीने की सरकार में वो जो आज हॉस्पिटल दिख रहा है, जो विमला वर्मा जी ने उस हॉस्पिटल को बनाया, हमारी आदरणीय विमला वर्मा जी, उन्होंने जिस हॉस्पिटल को बनाया, वो 18 महीने की सरकार में वहां पे प्रवीण नारायण साहब कलेक्टर थे, और कितना तरीके से उसका सौंदर्यीकरण किया गया, अंदर व्यवस्थाएं बनाई गई, आईसीयू में जो तब्दीली की गई थी, अंदर जो रूम्स बनाए गए थे बच्चों के लिए वो जो बने थे, और जो डॉक्टरों को वहां पर बिठा के सारी चीजों की व्यवस्थाएं की गई थी, वो आज भी आप देखेंगे वो जैसे ही कांग्रेस सरकार गई वो आज गायब है पूरी तरीके से। तो ये हमारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग स्पष्ट है, हम लोग जनता से जो काम कर सकेंगे हम वही बात करेंगे। हम ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि कोई भी समाज का व्यक्ति वो हमारा है, हम उनको भड़का के कोई राजनीति नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद पंजवानी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। सुनी लाइव से हमारी ये बातचीत आप लोग देख रहे थे। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।